अलमदिल्ल अलहमदिल्ल रब्बिलमीन वसलात वसलाम महमदमी उज़बिल्लि मिनशतर बसमिल्लर ख़्वा तीन वजरा हम आयत उनासी से सूर्य यूनुस का मताला कर रहे हैं ये अर्ज़ किया जा चुका है कि कुरान मजीद अपने आम तरीक़े के मुताबिक जिन मुकदमात को वाजे करना चाहता है उन पर अनफस आफाक से इसदलाल करता है इल्म अकल के मुसलमात की तरफ़ तोज्जो दिलाता है और फिर कई मकामात पर तारीखी दलाइल पेश करना शुरू कर देता है इस सूरा में भी अब तारीफी हकायक से इस्तलाल हो रहा है इसमें जाहिर है कि अल्लाह ताला की उस सुन्नत से इस्तलाल किया जाता है जिसका ज़हूर अल्लाह के रसूलों की बेसत के बाद हुआ चुनाच इस्तलाल की पदा नूह इस्लाम की दैनूनत या अदालत से हुई ये इस ज़मीन पर अल्लाह ताला की पहली अदालत थी जिसका ूर हुआ उसके बाद सब पैगम्बरों का बिलजमाल हवाला दिया गया और फिर सैदना मूसा की सरगुजश शुरू हो गई यह वही सरगजश जारी है <coughs> इसमें हम यहाँ पहुँच गए थे कि जब उन्होंने जाकर अपनी दावत पेश की तो मानने से इनकार कर दिया गया पहले ये कहा गया कि ये तो कोई जादू है जिससे हमें मुतासर करने की कोशिश की जा रही है फिर कौम के लोगों को आमादा करने के लिए ये उश्ला छोड़ा गया कि ये तो दर हकीकत कोई साजिश की जा रही है जिसमें ये लोग अपनी बड़ाई कायम करना चाहते हैं सैद मूसा मूसलम की कौम के लोग उस वक़्त एक लिहाज से बेगार की ज़िंदगी गुजार रहे थे उसको गुलामी ही कहना चाहिए उस सूरत हाल में किप्ती कौम को ये बताना कि ये सब साजिश की जा रही है और ये लोग आ गए हैं इनका मकसद ये है कि अपनी बड़ाई कायम करके ये तुम्हारे हाथ से इकतदार छीन लें और तुम्हारी जगह इनकी बरतरी या इनकी कौम की बरतरी या बनी इसराइल की बरतरी यहाँ मिस्र में कायम हो जाए तो इसको इस तरह अदा किया था कि इनके पेश नज़र यही चीज़ है कि ये तुम्हारे आबा के तरीके से तुम्हें फेर देना चाहते हैं बरतकूनकमल किब्रियाव फिलर्स और ये चाहते हैं <क्षण> कि इस मुल्क में इन दोनों की बड़ाई कायम हो जाए यानी सैद मूसा और सैद हारून तो उन्होंने ये कहा कि व माँ नहनोलकम बोमिन ये हम पर वाज़ हो गया है ये पैगम्बरी वैगम्बरी कुछ नहीं है इसलिए हम तो तुम्हारी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं इससे पीछे ज़िक्र हो चुका कि सदना मगसा इस्लाम को जो मोजात दिए गए थे और जो दर हकीकत इस बात की दलील थे कि ये कोई फ़लसफ़ी व हकीम या कोई सियासी रहनुमा नहीं है ये अल्लाह का पैगंबर है और अल्लाह ताला की माइत इसको हासिल है इसलिए दिए गए थे और देने की वजह भी बयान हो चुकी कि एक बाजरूत बादशाह को दावत देनी थी जो सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकता था तो इसलिए ही में ये अहतमाम कर दिया गया कि वो कोई इकदाम करने की जसारत न करे उसको उन्होंने जादू करार दे दिया तो अब फिरौन ने देखा कि मेरी इस तकरीर के बावजूद इसका पूरा इम्कान है कि लोग इनकी बात से मुतासर होंगे आखिर ये कोई मामूली चीज़ तो नहीं है कि एक असा फेंकता है वो सांप बन जाता है हाथ बगल से निकालता है तो ऐसे लगता है कि आफ्ताब निकल आया है तो इससे लोग मुतासर होंगे इसलिए ये ज़रूरी है कि इसका सद्दबाव किया जाए अब दोनों ही पहलुओं से ये ठीक जवाब था यानी अगर कोई आदमी ग्रेज़ करना चाहे तो उसके लिहाज से भी यानी दुनिया में अगर कोई गैर मामूली मामला सामने आता है तो फितरी तौर पर उस जमाने के इल्म की तरफ़ रजू किया जाता है इस वक्त भी यही बात है कि अगर कोई मामला ऐसा पेश आ जाए तो फ़ौर लोगों की ज़बान पर यह बात आती है कि साइंसदानों की तरफ़ रुजू किया जाए उनसे पूछा जाए यानी इस इल्म के माहरीन जो इस दुनिया के अंदर कारफरमा कवानी कुदरत का मताल कर रहे हैं उनसे मालूम किया जाए पता चल जाएगा कि इसकी हकीकत क्या है ये आदमी हमें तो मरूब कर दे सकता है लेकिन इस इलम के माहरीन को तो धोखा नहीं दे सकता एक पहलू ये है इस लिहाज से अगर फ़िरौन ने भी लोगों के सामने उस इलम के माहरी को लाना चाहा, तो बिल्कुल सही किया और अगर मुजे को परखने के हवाले से देखा जाए तो उसमें भी यही दुरुस्त है यानी अगर कोई चीज़ किसी इल्म से मुतलक है तो उस इलम के माहरी उसकी हकीकत फ़ौर जान लेंगे किसी से छुपी हुई नहीं रहेगी और अगर वो कोई वाकई मामूली चीज़ है फिलवा खर के आदत का कोई मामला है तो उसकी हकीकत पर भी जैसी गवाही और जैसी शहादत किसी इल के माह सकते हैं वैसी आम आदमी नहीं दे सकता तो दोनों पहलुओं से अगर देखिए तो यही करना चाहिए था यानी एक तो ये है ना कि वो ख़ुद भी सलामती तबाह का मुजाहरा करता और बात सुनता लेकिन बात सुनने से जब गुरेज का फ़ैसला कर लिया गया तो गोया अल्लाह ताला ने जो गैर मामूली इसलह देकर दोनों को भेजा था हजरत मूसा और हजरत हारून को पहला मरहला यही पेश आ गया कि इस असलहे की आजमाइश की जाए ये है क्या ये कोई दुनियावी चीज़ है किसी इलम का इजहार है या ये कोई खुदाई बात है तो वाल फ़िरौन तू नहीं बिकल साहिर नलीम तो फिरौन ने हुक्म दिया कि तमाम माहिर जादूगरों को मेरे पास हाजिर करो, यानी हमारी सल्तनत में जो लोग इस तरह के लूम के माहरीन हैं उनको बुलाया जाए वकाल फ़िरन व नहीं बिक्ल नलीम तमाम माहिर जादूगरों को मेरे पास हाजिर करो फलम्मा फ़ल्माजाज़ सहरा चुनाचे जब जादूगर आ गए दूसरी जगहों पर इसकी तफसीलात है कि उसमें ये तय कर दिया गया कि ये एक तकरीब का दिन होगा इसमें लोग जमा होते हैं उसमें ये अहतमाम किया जाएगा मुल्क भर से लोग आएंगे बड़ा मुज़ाहरा होगा और उसमें जादूगरों को भी बुलाया जाएगा और फिर ये इम्तहान हो जाएगा कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये कोई जादू है या उससे मावरा कोई चीज़ है यहाँ पर इक्तसार किया है तो फरमाया कि फ़लम मजाज़ सहरा चुनाचे जब जादूगर आ गए काला मूसा तो अब गोया मैदान मुकाबला सज गया सैदना मूसा आलाम भी सामने खड़े हैं और जादूगर भी यानी उस इलम के माहिरिन भी सामने खड़े हैं तो उसमें अब आम हालात में तो यही होता है कि आदमी अपनी बात बयान करता है या अपना कोई हुनर सामने लाता है लेकिन सैदना मूसा इस्लाम ने मैदान मुकाबला क्या होगा इसका इंतखब उन पर छोड़ दिया ये जाहिर है बड़े अहतमाद का इजहार है अल्लाह के पैगम्बर की तरफ से तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कालहम मूसा अलकूमा तुम मुलकुन तो मूसा ने उनसे कहा तुम्हें जो डालना है डालो यानी जो तुम अपने फ़न इल्म का मुजाहरा करना चाहते हो वो करो देखते हैं क्या चीज़ तुम सामने लाते हो इस पर मैंने हाशिया लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम का ये इर्शाद बता रहा है कि उन्हें अपने रब के वादों पर किस दर्ज अहतमाद था उस्ताज इमाम लिखते हैं उनको यानि मूसार्सलाम को अल्लाह ताला के वाद नुसरत पर यानि अल्लाह ने जो मदद का वादा अपने पैगम्बरों से किया होता है अल्लाह ताला के वादा नुसरत पर पूरा भरोसा था कि खा जादूगर जितना बड़ा जादू भी दिखाएँ यानि अपने इल्म और अपने फ़न का जितना बड़ा मुज़ाहरा भी करें उनके पास इसका तोड़ मौजूद है वो इसके मुकाबले में ये बात साबित कर सकते हैं कि वो किसी इल या फ़न का मुजाहरा नहीं कर रहे हैं। उनके साथ खुदा की ताकत है वो खुदा की माइत में खड़े हैं इस वजह से उन्होंने किसी पेशबंदी से बे होकर यानी अपनी तरफ से कि मेरे पास तो यही चीज़ है मैं यही पेश कर सकता हूँ इसका इजहार नहीं किया बल्कि ये कहा कि ये अब तुम्हें फ़ैसला करना है कि तुम किस दर्जे में पहुँच कर अपने इल के किस मकाम पर खड़े होकर मेरे साथ बात करना चाहते हो इस वजह से उन्होंने किसी पेशबंदी से बे होकर उन्हीं को पहल करने का मौका दिया और ये गोया मैदान मुकाबला में उनकी पहली जीत थी इसलिए कि इसके बाद हरीफ़ को जो शिकस्त हुई वो खुद उसके अपने मंतखब किए हुए मैदान में हुई इसको इस तरह समझिए कि इस वक्त जो आला साइंस के माहरी हैं वो ये जानते हैं कि साइंस या साइंस के केलूम की आखिरी ताकत क्या है यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है जो वो कर सकते हैं ये साइंस की करिश्मा सजियाँ हैं ना, जिनमें हम बैठे हुए हैं कोई तस्वुर कर सकता था आज से सौ पचास साल पहले कि मैं यहाँ बैठ कर गुफगू करूँगा और उसको मरीख पर भी सुना जा सकता है उसको पूरी दुनिया में देखा जा सकता है तो इस तरह का इल्म जब भी फ़रू पाता है तो उस इलम के माहरीन को मालूम होता है कि इसकी अभी जो कुछ भी हमने ईजाद किया उसकी आखिरी हद क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं तो सैदना मूसा ने उनको मौका दिया कि तुम जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो वो करो यानी तुम्हारे इल्म की इंतहा पहले सामने आ जानी चाहिए तो फरमाया कि अलकू का अन तुम मूसा ने उनसे कहा तुम्हें जो डालना है डालो फिर जब उन्होंने डाला फलम्मा अलको काला मूसा माजे तुम बेहसर फिर जब उन्होंने डाला तो मूसा ने कहा ये जो कुछ तुम लाए हो ये जादू है यानी ये जो तुम्हारी तरफ से इजहार हुआ है ये जादू का इजहार है ये जादू तुम पेश कर रहे हो जादू क्या कर सकता है वो यही कर सकता जो तुमने कर दिया है इस पर हाशिया है कि ये फ़िरौनियों की बात का जवाब है उन्होंने क्या कहा था उन्होंने ये कहा था कि असहर हाजा यानी ये तो गोया जादू है और जवाब में कहा गया था कि ये जादू है तो ये उसकी बात का जवाब है कि जो कुछ मैंने पेश किया था वो जादू नहीं है बल्कि जादू दर हकीकत ये है जो तुम्हारे जादूगर पेश कर रहे हैं ये है जादू तो पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को तवज्जो दिलाई कि जादू की आखिरी हद क्या होती है और वो क्या करता है और उस इल्म में कहाँ तक कोई मुजाहरा किया जा सकता है पहले इसको देख लो पलम्बा अल को काला मूसा माजे तुम भई सहर फिर जब उन्होंने डाला तो मूसा ने कहा ये जो कुछ तुम लाए हो ये जादू है इन लुप्त लहू यकीन रखो अल्लाह अभी इसे बातिल किए देता है इसलिए कि दुनिया में जो उलूम है उनके इब्ताल में तो इंसानों के अंदर लोग उठ सकते हैं जो अपने इल्म से उसका इब्ताल कर दें उसको बातिल कर दें लेकिन अगर दुनियावी इलम अपने मुंतहा पर इजहार करता है तो फिर अल्लाह ही बातिल कर सकता है तो उन्होंने कहा अब मैं इसको बातिल करके दिखाता हूँ और ये इब्ताल कौन करेगा ये अल्लाह ही करेगा इन अल्लाह से युक्त लहू यकीन रखो अल्लाह अभी से बातिल किए देता है इन अल्लाह ला इलाहलास्लो अमललमुफीन इसलिए कि अल्लाह इस तरह के मौक़ों पर फसाद करने वालों के काम को सुधरने नहीं देता यानी फसाद करने वालों के काम भी सुधरते रहते हैं वो भी कामयाब होते हैं और अपनी कुछ दोस लोगों पर जमा लेते हैं लेकिन अगर मामला हक व बातिल का हो जाए इस तरह का मौका पैदा हो जाए तो फिर अल्लाह ताला इस तरह के लोगों को कामयाब नहीं होने देता तो ये उन्होंने कानून का हवाला दिया इन युसल अमलमफीन अल्लाह इस तरह के मौक़ों पर फसाद करने वालों के काम को सुधरने नहीं देता व हक का बेकल माते ही व लव करे हल मुजरमून और अल्लाह अपने क़लेमात से हक को हक कर दिखाता है यानि अगर मामला किसी पैगंबर के साथ आ पड़ा है तो फिर अल्लाह ताला मामला को आखिरी दर्जे में पहुँचा देगा अब हक हक होकर रहेगा अल्लाह अपने क़लेमात से हक़ को हक कर दिखाता है अगरचे मुजरमों को कितना ही नागवार हो ये किन के सामने करना पड़ता है जो लोग जराम पेशा हो जाते हैं हक़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते सरकशी के मुजरम हो जाते हैं उनके साथ फिर अल्लाह ताला ये सलूक करता है कि उन्हें कितना ही नागवार गुजरे अल्लाह अल्लाहका हक करता है हक़ को हक़ करके दिखाता है बातिल का इब्ताल करता है यही बात है ना जिसको रसालत माँ आप की उस दुआ में अल्लाह त बयान फ़रमाया है कि जाल हको वक़ल बाबातिल का नानजू का यानी हक आ गया और बातिल चला गया और बातिल को जाना ही होता है वो सामने खड़ा नहीं रह सकता लेकिन कब उस वक्त जब अल्लाह ताली का हक कर रहे होते हैं जब अल्लाह की अदालत बर्पा हो रही होती है वरना लोगों के लिए मोहलत है उसमें हक भी आता रहता है और बातिल भी आता रहता है तो इरशाद हुआ कि अगरच मुजरमों को कितना ही नागवार हो इस पर मैंने लिखा है यानी उन मौक़ों पर फसाद करने वालों के अमल को बातिल कर देता और हक को हक कर दिखाता है अल्लाह ताला यानी अल्लाह ताला उन मौक़ों पर फसाद करने वालों के अमल को बातिल कर देता और हक़ को हक कर दिखाता है कब जब उसके पैगम्बर इतमाम हुज्जत के लिए किसी कौम की तरफ मबूस किए जाते अल्लाह ताली आम हालात में तो पर्दा डाले रखते हैं इसमें कशमकश बरपा रहती है हक़ को भी आप दलाइल से देखते हैं बातिल भी जो कुछ उसका इस्तलाल है उसमें सामने लाता है इम्तहान गा है इम्तहान जारी रहता है लेकिन जिस वक्त अल्लाह ताला अपने रसूलों को भेजता है तो वो मौका फिर इतबमाश का नहीं होता उसमें मोहलत दी जाती है वक्त गुजरता है जब वो मोहलत ख़त्म होने पर आ जाती है तो फिर अल्लाह तैसला करते हैं और जब वो फैसला सुनाया जाता है तो उस फैसले को इस तरह बयान किया है कि कुजिया बैन हम बिलहक वहुम ला युज़लमून वो फैसला ऐसे ही सादर होता है जिस तरह अदालत का फैसला शादिर होता है और उसके नतीजे में हर चीज़ इंसाफ के साथ वाजे हो जाती है तो पैगम्बर जब में हजत के लिए किसी कौम की तरफ मबूस किए जाते हैं यानी रसूल बनाकर भेजे जाते हैं तो अल्लाह ताला इस तरह का के हक और इब्ताले बातिल करता है ये उसका हवाला दिया है ये उसी सुन्नत इलाही का हवाला है जिसकी वजाहत हम आयत सैंतालीस के तहत कर चुके हैं पीछे आयत सैंतालीस के तहत ये सुन्नत बयान हुई है यहाँ उसका इतनाक हो रहा है बताया जा रहा है कि मूसा आलाम अल्लाह के पैगंबर की हैसियत से रसूल की हैसियत से जब भेजे गए तो किस तरह अकॉा के हक हुआ कैसे इब्ताल बातिल हुआ फ़माम जुरीतम बिन कौम ही अला खौफ़म बिन फ़िर फ़राफ़लफिन पर मूसा को उसकी कौम के चंद नौजवानों के सिवा किसी ने नहीं माना यानि एक जानब यह हो रहा था और फ़िरौन के सामने अल्लाह इस तरह हक को हक और बातिल को बातिल करके दिखा रहा था दूसरी जानब सैदना मूसा इस्लाम की ये ज़िम्मेदारी थी कि वो बनी इसराइल को उठाएँ और बनी इसराइल को उठाकर उस मकाम तक पहुँचाएँ जो उनके लिए तय किया गया था उसका मैं बार बार ज़िक्र करता हूँ कि सैदना इब्राहिम से पहले अल्लाह की स्कीम ये थी कि हर कौम की तरफ रसूल भेजा जाता था फिर अल्लाह की अदालत ज़मीन पर लगती थी और कौमों का फ़ैसला कर दिया जाता था सैदना इब्राहीम की बेसत के बाद ये फ़ैसला कर दिया गया कि अब नबूवत बनी इसराइल और बनी इस्माइल में रहेगी यानी इब्राहीम की ज़ुर्रियत में नबूवत रहेगी और एक दूसरा पहलू ये होगा कि महज एक पैगंबर नहीं खड़ा होगा बल्कि ये पूरी कौमें इस मनसब पर फायज़ करके उठा दी जाएंगी इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने दो इलाक़ों का इंतखाब किया बनी इसमाइल के लिए जज़ीरा नुमा अरब और बनी इसराइल के लिए फ़लस्तीन और फिर ये कहा कि मूसा सलाम इनको वहाँ से निकालें पाँच सौ साढ़े पाँच सौ साल से ये लोग मिस्र में पड़े हुए थे जब आए थे तो बड़ी शान से आए थे अलैहिस्सलाम के ज़माने में शहाना इस्तकबाल हुआ था कभी बाइबल में देखें तो किस तरीके से ये वहाँ आए हज़रत याकूब की क्यात में ले लेकिन अब जमाना बहुत तब्दील हो चुका था उस पर चार पाँच सदियाँ गुज़र चुकी थीं ये लोग बिल्कुल महकूम होकर रह गए थे इनकी हैसियत मामों की सी थी क्यादत सियादत वो कुछ दूसरे लोगों को मुंतकिल हो चुकी थी तो ये सूरत हाल थी कि जिसमें सैदनामूसा से कहा गया कि अब आप इस कौम को निकालें ये निकालने का अमल इसी तरह होगा कि अल्लाह का पैगम दावत देगा कौम उस पर ईमान लाएगी उसके साथ निकलने के लिए तैयार होगी तो तभी मुमकिन है कि फिर उनको ला कर वहाँ आबाद किया जाए मंजिल बता दी गई कि फ़्रौन की ग़ुला से निकला जाएगा यहाँ से निकल कर फ़लस्त की सरजमीन में उसको कहा है किज़ुलमुक़दसा आगे जो सूरतें आएंगी उनमें उसका तफसीली जिक्र होगा मायदा में भी जिक्र हो चुका है तो कहा गया कि वो अर्ज़ मुक़दसा है यानी अल्लाह ने फलस्तान की सरज़मीन को अपने लिए खास कर लिया है मुक़दस का मतलब ये होता है कि उसको ये खसूस हैसियत हासिल हो गई है कि वो अल्लाह ने अपने किसी मिशन अपने किसी मकसद के लिए खास कर लिया <coughs> इंसान की तकदीस भी इसी हवाले से और किसी सरज़मीन की भी तो ये दोनों पहलू जो है इनको सामने रख कर ये कहा गया कि अब इनको निकाल के ले जाए लेकिन क़ुरान मजीद ये कहता है कि इधर फ़िरौन का ये रद्द अमल हुआ कि वो मानने के लिए तैयार नहीं साफ कह दिया उन्होंने कि हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं और दूसरी जानब जब अपनी कौम को जाके दावत दी तो मूसा को उसकी कौम के चंद नौजवानों के सिवा किसी ने नहीं माना यानी बाकी लोगों ने पहले मरले में इस्तवाद का इजहार किया कि ये क्या है और मालूम नहीं क्या हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है अलबत् कुछ नौजवान आगे बढ़े और उन्होंने माना और उसमें भी क़ुरान ने जो अल्फाज इख्तियार किए हैं उनमें एक अरबियत का पहलू है वो ये है कि फमा आमना बेमूसा नहीं कहा फमा आमना लेमूसा कहा है इसमें थोड़ा सा फ़र्क वाकई हो जाता है उसकी वजाहत की है मैंने कि असल में फमा आमन आल मूसा के अफाज़ आए हैं यानी वैसे तो आमना के साथ जो सिला या प्रपोजिशन आती है वो बे की है लेकिन यहाँ लाम आया है असल में फमा आमन आल मूसा के अलफा आए हैं अल्लासूल पर ईमान को बेलमूम आमना बही से ताबीर किया जाता है आम तौर पर यही होता है कि ईमान के बाद आमनु बे मोहम्मद कहा जाएगा इसके बजाय आमन लहू के अल्फाज यहाँ इसलिए इख्तियार किए गए हैं कि इन नौजवानों ने हज़रत मूसा के दावे की सदाकत तो बेशक तस्लीम कर ली थी यानी ये तो मान लिया था कि ये मालूम होता है कि अल्लाह की तरफ़ से आए हैं मगर तस्लीम तफवीज़ और इतात व इनक्यात के उस मुकाम तक अभी नहीं पहुँचे थे जिस पर आमन बही के अलफा दलालत करते हैं यानी जो एक इब्तः में किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर लिया है यानी मान लिया है समझ में आ गई है लेकिन अभी वो मर्तबा नहीं पैदा हुआ मानने में वो मकाम नहीं आया कि जिसमें आदमी फिर कहता है कि हाँ ये तो खुदा की बात है और अब मैंने अपना आप सपुरद कर दिया असलम तो रबालमीन और अल्लाह के पैगम्बर के मामले में ये कुरान ने वाजे कर दिया है कि बिल्कुल ग़ैर मशरूत बेचून चरा मतलूब होती जिसमें यहाँ तक है कि किसी दुनियावी मामले में भी बाहमी नज़ात तक में अगर अल्लाह का पैगंबर कोई फ़ैसला कर दे तो दिल में तंगी महसूस किए बग़ैर उसको मानना लाजिम होता है तो ये दर्जा अभी नहीं था तो इसलिए आमना लहू के अलफा आए हैं मान लिया कुछ बात बन गई और मूसा को उसकी कौम के चंद नौजवानों में से नौजवानों के सिवा किसी ने नहीं माना तो मैं सुना रहा था कि लिखा है कि इसके बजाय आमन लहू के अल्फा यहाँ इसलिए इख्तियार किए गए हैं कि इन नौजवानों ने हज़रत मूसा के दावे की सदाकत तो बेशक तकसीम कर ली थी मगर तस्लीम तफवीज़ और इतात व इनकियात के उस मकाम तक अभी नहीं पहुँचे थे जिस पर आमन बही के अल्फ़ दलालत करते हैं आगे की आयात में इसी बिना पर उन्हें ईमान के इन तकाज़ों को पूरा करने की दावत दी गई यानी आगे उन लोगों को कहा गया है कि ईमान लाए हो मान लिया है या कम से कम इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए तैयार हो गए हो तो अब आओ तुम्हें बताते हैं कि पैगम्बरों पर ईमान लाने का मतलब क्या होता है ये किसी फ़लसफ़ी और हकीम की बात मानना नहीं है कि मर्ज़ी से देखेंगे कितनी माननी और कितनी नहीं माननी क़ुरान का इरशाद है कि आमन लहू यानी ये इतना जो ईमान है आमन लहू की ये सादत भी बनी इसराइल के नौजवानों ही को हासिल हुई यानी इसमें भी ये नहीं हुआ कि सारी कौम इस दर्जे में पहले ही मरहले में मानने के लिए तैयार हो गई बल्कि कुछ नौजवान दावत हक की तारीख बताती है कि ये मामला सिर्फ़ मूसा इस्लाम के साथ नहीं हुआ यानी ये कि चंद नौजवान ही सबसे पहले आगे बढ़े और वो कुछ बात मानने के लिए सुनने के लिए तैयार हो जाए इस दावत पर लब्बै कहने की शादत पहले मरहले में बिलमूम नौजवानों को हासिल होती है आम मुशाह भी यही है कि पहले मरहले में नौजवान ही किसी नई दावत को और ख़ास तौर पर दावत हक़ की तारीख तो यही बताती है कि उसको कुछ सुनने मानने के लिए तैयार होते हैं इसकी वजह क्या है यानी होना तो इसके बरक्स चाहिए कि वो लोग जो जहाँ दीदा हैं समझदार हैं सर्द वर्म चसीदा हैं दुनिया के तजुर्बा से गुज़र चुके हैं जिनका इल्म और पुख्ता हो चुकी है वो माने तो ये उलट क्यों होता है इसकी वजह क्या है उस्ताज इमाम लिखते हैं इसकी वाजे नफ्सिया वजह ये है कि हज़रात अम्बिया जिस हमीर दावत इस्लाम को लेकर उठते हैं यानी इस्लाम की दावत ज़ाहिर है ज़िंदगी के तमाम मामल की तरफ़ इंसान को एक ख़ास जाविये की तरफ मतवज़ करती है तो जब वो दावत लेकर उठते हैं उसको इब्तदाई मराहल में आगे बढ़ कर कबूल करना यानी पहले ही मरले में पहले ही मरले में अभी बड़े सवाल होते हैं अभी पैगम्बर के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा कहा जा सकता है कि कुछ हसन ज़न है जब कोई दावत पुख्त मरहल से गुज़रती है फिर वो उन मरल में बड़े इम्तहानों में भी गुजर कर अपनी हकीकत वाजे करती है तो नौीय और तो हो जाती है उसको इब्तदाई मराहल में आगे बढ़ कर कबूल करना बड़ी बुलंद हौसलगी बल्कि बड़े जान जोखम का काम होता है आसान नहीं होता इस वक्त तो रसालत में आप ये जो तो आखिरी दो पैगंबर हैं वो एक लिहाज से तारीख़ के पैगंबर बन चुके हैं तो अब तो उनके बारे में किसी बड़े इस्तलाल की ज़रूरत नहीं होती लेकिन इब्ताई मरले में बड़े जान जोखिम का काम होता है इसकी हिम्मत वो लोग आसानी से नहीं कर सकते जो रवायात और रसूम से मरूब और हालात और मसाले की रियायत के खूगर हों जितना जितना आदमी बड़ा होता है उसके लिहाज से जो रवायात होती हैं या रवायती मजहब होता है या रवायती दानश होती है या कोई सोसाइटी के रसूम होते हैं या सकाफती या तहजीबी रवायात होती हैं लोग उनके ज़्यादा पाबंद होते चले जाते हैं और इसी तरीके से हालात मसाले क्या होगा मान लेंगे तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा ये मसाले भी ज़्यादा पेश नज़र होते हैं बड़ी उम्र में ऐसे लोगों का हिजाब यानी जो ज़रा पुख्ता हो चुके होते हैं आहिस्ता आहिस्ता ही टूटता है नौजवानों में इस तरह की मरूबीत और मगलूबीत कम होती है नौजवान ज़रा आज़ाद होते हैं इस वजह से उनको जब दावत हक अपील कर लेती है तो वो उसके लिए जुनेबी अवाकब से यानी दुनिया में जो नतज निकल सकते हैं उससे बेपरवाह होकर उठ खड़े होते हैं ना वो अपने बड़ों और बुज़ुर्गों की सरजनश की कुछ ज़्यादा परवाह करते ना वक्त के अरबाब इकतदार की बरहमी को ख़ात में लाते हैं यानी जो लोग इकतदार पर होते हैं खॉब वबाइली इकतदार हो या जदीद रियासतों का मनज़म इकतदार जाहिर है कि वो रद्दमल ज़ाहिर करेगा तो वो इसको ख़ातर में नहीं लाते हज़रत मूसा के मामले में हालात का ये ख़ास पहलू भी काबिल लिहाज है कि मुल्क में जो एरिस्टोक्रेसी बरसर इकतदार थी वो नस्लन भी हज़रत मूसा की कौम से बिल्कुल अलग थी यानी इनकी नस्ल एक नहीं थी और उस दौर में जो शख्स तख्ते हुकूमत पर था वो भी जैसा कि आयत के अल्फाज से वाज है तब नहायत जब्बार और सरकश था बादशाह भी मुख्तफ मिदाद के होते हैं तो ये बहुत सरकश और बहुत जब्बार था ऐसे हालात में जाहिर है कि वही लोग उनका यानि मूसा इस्लाम का साथ देने के लिए आगे बढ़ सकते थे जो अपनी हमीत हक़ के जोशो जज्बे को दबा सकने पर कादिर ना नौ। तो नौजवान ही होते हैं तो ये वो वजूह हैं जिनके बायस आम तौर पर ऐसे ही होता है यहाँ भी इसी तरह हुआ कि सैदना मूसा पर अबतदा में वही लोग ईमान लाए या उन्होंने बात मानी और आगे बयान कर दिया है उसको कि ये क्यों हुआ अला ख़ौफम मिन फ़राना व मला हिम यफ़त न यानी इसलिए कि फ़्रौन के डरे हुए भी थे और ख़ुद अपनी कौम के बड़ों से डर से कि कहीं फ़िरौन उन्हें किसी फितने में न डाल तो ये सूरत हाल हुई और आगे फिर कुरान ने बताया है कि फ़िरौन इन्ना फ़िरना व इन्ना फ़िरनाला आलिन फ़िलर व इन्न लमिनफ़ी हकीकत यह है कि फ़िरौन उस मुल्क में बड़ा जब्बार था और उन लोगों में से था जो हद से गुजर जाते हैं तो ये वजूह भी बता दिए हैं कि ये बायस हुआ कि चंद नौजवानों ही ने माना ये सरगुजश तभी ज़ेर बहस है हमारा वक्त हो गया अकूल व कौली हाज़ा बसमलर हम मुस्नद अहमद की एक तवील रवायत का दो तीन नशस्तों से मताल कर रहे हैं इसका रकम है सत्रह हज़ार एक सौ चवालीस इसमें बहुत से हकायक रसालत में आप ने बयान फरमाए उनमें से एक, एक चीज़ की वजाहत हो चुकी है आखिरी और अहम तरीन चीज़ ये थी कि रिसालत से लिए से लिए ने में ने इसमें तंबी फरमाई कि मेरे बाद सियासी इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे और भी बाज़ रवायतों में आपने फरमाया और ये ज़रूरी था इसलिए कि अपने बात के बारे में जो हालात भी पेश आएंगे उसमें लोगों को क्या करना है क्या रवैये होने चाहिए क्योंकि ये दीन तो आलमी सतह तक पहुँचना है तो उसमें अगर फ़ौर बात कोई सियासी खलफशार ऐसा पैदा हो जाता कि मुसलमानों की जमीयती पारा पारा हो जाती तो कौन पहुँचाता और कहाँ से पहुँचता तो दस सवाल पैदा हो जाते तो आपने मतलब फ़रमाया कि बड़े इख्तलाफात देखोगे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये इख्तलाफात इब्तदा में पैदा हुए तो खवारिज की तरफ से हुए ये शीन अली और शीन मुआविया की तरफ से पैदा हुए तो दोनों सूरतों में ये असल में सियासी अख्तलाफा यानी शुरू में इसमें कोई मजहबी पहलू नहीं था सियासी एतबार से लोगों ने एक बात को पसंद किया एक को नापसंद किया और सियासी अख्तलाफा जाहिर है कि बाज़ात बड़े जज्बाती मनाजिर पैदा कर देते हैं हो गए उसके नतीजे में लेकिन बतदरीज मजहबी इख्लाफात में तब्दील हो गए तो मुसलमानों के यहाँ भी और मसीियों के यहाँ भी अगर आप उनकी तारीख पढ़ें और बल्कि यहूदी यहाँ भी ऐसा ही होता है सियासी अख्तलाफा सियासी नहीं रहते कुछ ना कुछ लोग उसमें और लीडर हजरा ख़ुद आगे बढ़ के मज़हब का पैवन लगाना शुरू कर देते हैं उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर वो सियासी अख्तलाफात फ़िरकों की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं तो ऐसा ही हुआ हुजूर ने इसके बारे में मतलब फरमाया था आपने उसके बाद कहा कि तुम्हें करना क्या है आपने फरमाया कि उस वक्त तुम में से हर शख्स पर लाजिम है कि वही तरीक़ा इख्तियार करो जो शरीयत पर अमल के लिए मैंने इख्तियार किया है और जो मेरे बाद मेरे हिदायत याफ़्तः खलफ़ाए राशिदीन इख्तियार करेंगे इसमें जो अल्फाज थे आपके वो ये थे कि फ़लई कम बसन्नति वसन्नतलफ़ाए राशिदीन अलमहदिन तमस्कु ब बज्ज़ अलै बवाजिस यानि उस वक्त तुम मेरे तरीक़े को और मेरे खलफा राशिदीन के तरीक़े को मजबूती से पकड़ना तो मैंने ये बताया था कि यहाँ अगर अगरचि सुन्नत का इस्तेमाल हुआ है लेकिन ये लफ्ज़ यहाँ उस सुन्नत के मानी में इस्तेमाल नहीं हुआ अरबी ज़ुबान के जो अल्फ़ाज़ हैं उनका अफ़ोम बहुत बाद में इस तरह मुतिन हुआ है क़ुर मजीद के ज़माने में ये लफ्ज़ उस अफ़ोम में भी इस्तेमाल हुआ लेकिन उसके साथ जैसे हम बोलते हैं मेरा तरीक़ा ये है मेरा तर्ज ये है मेरी रविश ये है तो उस्मानी में भी यहाँ तक कि कुरान मजीद में ये लफ्ज़ सुन्नतुल्ला इस्तेमाल हुआ है यानी अल्लाह का तरीका अल्लाह का तर्ज अमल अल्लाह बंदों के साथ क्या मामला करता है तो यहाँ पर भी ये इस्तेमाल हुआ है कि मैंने यानी रसूल वसम ने अपने हीने हयात मुसलमानों के यानी सिर्फ़ पैगम्बरी तो नहीं की ना उसके साथ हुक्मरान की हैसियत से मुसलमानों के रहनुमा की हैसियत से उनकी क्यादत भी की है तो उसमें क्या तरीका इख्तियार किया फितने पैदा हुए मुनाफिकीन का फितना बड़ा गैरमूली था अब्दुल्ला उबई ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बड़ी नाजुक सूरत हाल पैदा कर दी गजबाए बनी मुस्तलक पे तो जो कुछ हुआ उसमें अंदेशा था कि अंसार और महाजरीन में तलवारें निकल आती तो इस तरह की सूरत हाल वक्ता फ़वता पैदा होती रही यहूद ने बड़े फ़त्ने पैदा किए वो वदीने में थे उनके साथ माह हो गए थे और एक शहर में रहते हुए जब उन माहदात की उन्होंने पहले तो यानी ज़ाहिर में तो कुछ पाबंदी की लेकिन बातिन में पहले दिन ही नहीं की और फिर ज़ाहिर में भी ख़िलाफ़ वर्दियाँ शुरू कर दी तो इससे इज्तमाही ज़िंदगी या नज़म इज्तमाही में रिसत में आप को बड़े फितनों का मुकाबला करना पड़ा है उन फ़लों की तफसी कुरान मजीद में मौजूद हैं मुनाफिकीन ने वो नौबत पहुँचा दी कि जिसमें खुद हजूर का अपना घिराना हदब बन गया वाज मताहर के लिए कोशिशें शुरू हो गई कि कोई स्कैंडल बना दिया जाए सैदा के बारे में भी जिस तरह के रवायतों में तफसीलात आती हैं एक ऐसी तहमत तराश दी गई तो ये सब चीज़ें होती रहीं उस मौके पर रसोल्ला ने जो तरीका इख्तियार किया यानी क्या रद्दमल की नफसियात में मब्तला हो गए कोई ऐसा नाम कर डाला कि जिसने सारी बेहद पारा पारा कर दी ये मालूम है कि खुद सैदा के बारे में जब ये तहमत का मामला हुआ तो आपने कुछ बात की खड़े होकर मस्जिद में तवज्जो दिलाने के लिए तो अवस और खजरज के दरमियान जिस तरह के कुछ बहस वमबासे की सूरत पैदा हो जाती है वो हो गई ये कबीले थे यानी वो लोग अपनी कबायली अमीय में सूरत हाल का बात अंदाज़ा नहीं कर पाते थे तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई इसमें मैंने क्या रवैया अख्तियार किया तो आपने फरमाया कि उसकी पैरवी करना यानी वो रवैया क्या थाब्रह्मल मामले का जायज़ा लेना फौरी इकदाम से गुरेज करना जज्बाती इकदाम करने से बचना चीज़ को उसके नतज और अवाकब के लिहाज से देखना कोई फितना पैदा करना हो तो लीडरशिप या क्यादत की ज़रा सी गलती आग बढ़का देती है तो ये फरमाया कि मैंने क्या तरीका इख्तियार किया था यानी वो मौका भी आया था कि जब गजबा बनी मुस्तलक से वापसी पर जब शदीद गुस्ताखी की है और शदीद फितना बरपा की है अब्दुल्ला बिनुबी ने वो अल्फाज नक़ल किए हैं कुरान मजीद ने सरा मुनाफिकून में जो उसने कहे थे उनको पढ़ना मुश्किल है लेकिन भरत हजूर को उसके बेटे ने आके कहा कि अब मैं अपने बाप की गर्दन मार दूं तो आपने फरमाया कि नहीं लोग क्या कहेंगे कि मोहम्मद अपने साथियों को कतल करवा रहा है तो इसलिए हर मौके पर एक सब्रह्म उससे काम लिया गया तो एक ये फरमाया कि इसका तुम भी ख्याल करना क्योंकि जैसे ही किसी मामले में ख़ास तौर पर सियासी मामले में आस्तीन चढ़ा के मैदान में आओगे फिर जंग ही होगी रोकना मुमकिन नहीं होता और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि आपको ये खबर दी गई होगी कि आपके बाद ऐसे लोग आएंगे कि जो बिल्कुल आपके तरीक़े पर सियासी मामलात को संभालेंगे जैसे कि सकीफ़ा बनी सायदा में जो फितना पैदा होने का इम्कान हुआ और मामूली नहीं था यानी अनसार का शहर था अनसार ने लोगों को बुलाया था अनसार ने दावत दी थी अनसार की हिमायत और नुसरत से वो अजीम कामयाबी हासिल हुई थी ये सब कुछ उन्होंने किया था तो अब कहा ये जा रहा था कि इकतदार अनसार को नहीं मिलेगा तो वो अकलीत में है ये सूरत हाल बड़े फितने का बायस बन सकती थी और बनती बनती रह गई सकीफ़ा में अभी हुजूर की तदफीन भी नहीं हुई थी तो उस मौके पर हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर ने कैसे आगे बढ़ कर उस फितने को दुरुस्त करने की सही की तो ये ज़ाहरा आपको एतमाद था तो आपने फ़रमाया कि मेरा तरीका और मेरे बाद जो लोग मेरे जानशीन होंगे उनका तरीक़ा यानी वो भी तुम्हारे सामने यही रवायत रखेंगे तो ये आपने उस मौके पर गोया इरशाद फरमाया इस पर मैंने लिखा है यानी वो लोग इख्तियार करेंगे जो नज़म इज्तमही की उस जिम्मेदारी को अदा करने में मेरे जानशीन बनेंगे जो इस वक्त मैंने उठा रखी यहाँ खलफा राशिदीन का मतलब ये है इससे जाहिर है कि वो जलील कदर से हबा कराम मुराद होंगे जो आपके फ़ौन बाद इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए मन्तख किए गए और इज्तमाहीलतारत में जिनका तर्ज अमल ठीक मनज नबूत के मुताबिक रहा यानी उन्होंने भी वैसी ही हकूमत चलाई चुनाचे खलफा राशिदीन की जो तबीर इस रवायत में नबी सली वम ने इख्तीयार फरमाई है वही अब उनका तारफ़ है ये तारफ़ बन गया उनका और ये यहीं से आई है ये तरकीब और हर शख्स जानता है कि मुसलमानों की सियासी तारीख़ में इससे कौन लोग मुराद लिए जाते हैं उनका तर्ज अमल ये था कि उनमें से हर एक ने अपने पेश रो के साथ समोतात का रवैया इख्तियार किया बड़े लीडर थे एक मंतख हो गया दूसरे ने बगावत नहीं की समोतात का रवैया इख्तियार किया और अपने ज़माना हुकूमत में दीन के महकमा की शान के साथ हिफाजत की कि अदना दर्जे में भी कोई बिदत उसमें रह नहीं पा सकी ये काम उन्होंने किया साफ़ मालूम होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ़ से इसका इलम वही के ज़रिए से दिया गया था आपने उनके तर्ज अमल की पैरवी इख्तियार करने की ये हिदायत इसी बिना पर फरमाई है चुनाच दीनों शरीत को हर तरह की आमेजश से पाक रखने और नज़म इज्तमा के मामलों में उन परमल के लिए आपका और आपके खलफाए राशदीन का यही तर्ज अमल अब क़्यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए उस हसना है तो हजूर ने ये तालीम दी कि मेरे बाद नज़म इज्तमा के मामलात में उस रवैये को देखा जाए जो मैंने इख्तियार किया या जो मेरे बाद मेरे जानशीन इख्तियार करेंगे ये नसीहत फरमाई इसके आखिर में फिर एक और बड़ी नसीहत है उस पर हम इन शगली नशस्त में बात करेंगे व आखिर उदा दस मिनट का है। इसके बाद सवालों की बिस्मान रहीकूम गांधी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नश्त को लेकर डेलिस अमरीका गांधी सेंटर से हाजिर ख़िदमत है। हैं आगाज़ करते गांधी से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का गुजत नशस्त में ये चीज़ जेर बहस आई कि आप जब यह कहते हैं कि अगर किसी मुसलमान को रसुल्लाम की नस्बत से कोई ऐसी रिवायत पहुँचती है जो दीन के किसी शरह की वजाहत कर रही है किसी मतन की शरह कर रही है या असल की फरह पर मबनी है तो अब क़ुरान मजीद की एक आयत की रूह से उन पर यह लाजिम है कि वो उसको माने आपने बड़ी तफसील से उसमें कुछ मिसालें देकर भी बात बाजी की थी कुछ उस पर ज़मनी शिक्कालत भी पेश किए गए हैं है। चाहूँगा कि करके हम सब की खिदमत में रखे जाएँ ये एतराज़ है कि आपने फ़रमाया था कि एक मिसाल बयान करते हुए कि अगर कोई किसी के बच्चे को कहे कि तुम्हारा बाप बहुत कामयाब कारोबारी है तुम ज़रूर उससे मशवरा करना तो इससे बाप पर जवाब देना कैसे लाजिम आ जाता है ये जो आयत यहाँ पर ज़ेर बहस आई इस आयत के अंदर तो ये कहीं भी नहीं कहा गया साहबा को कि कहीं पर आपका दुनियावी मामला में घर कैसे बनाना है कोई दो साहबा आपस में बैठे हैं चाय पीनी है नहीं पीनी इख्तलाफ़ हो गया है तो अब रसुल्ला के पास जाया जाएगा और वो जो फ़ैसला करेंगे उस पर मनोन अमन किया जाएगा हमारे यहाँ जो पूरी इल्म की तारीख है उसूल की फोकहा की वो तो इसमें फर्क करते हैं कि ये आपने तशरी हैसियत में हुक्म दिया था और ये दुनियावी है जो मानना लाजिम नहीं है तो ये जो आयत आपने पेश की है ये आयत तो ये बता रही है कि दीन के मामले में कभी कोई इख्तलाफ होगा तो रसात मसलम के पास जाना है और जब जाना है तो दीन का इख्तलाफ है तो आप पर बताना भी जरूरी होना चाहिए पहली बात तो यह कि दीन से क्या मुराद है अगर दीन से मुराद असल दीन है कुरान और सुन्नत तो उसके बारे में किसी जगह ये उसलूब कुरान में इख्तियार नहीं किया गया और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि किसी जगह ये उसलूब इख्तियार नहीं किया गया कि उसको अल्लाह के पैगम्बर की इतात के जैल में रखा गया हो उसके लिए बिल्कुल दूसरे असालीब है उसमें पहली बात ये बताई गई है कि ये आपको मिलेगा कहाँ से पहली बुनियादी बात ये बताई गई है यानी क्या चीज़ वो दीन जो हमें कुरान की सूरत में मिला है जो हमें सुन्नत की सूरत में मिला असल दीन, इसके बारे में मैंने ये लिखा है ना कि दीन असल में यही है तो ये जो असल दीन है यानी कुरान हो या सुन्नत हो उसका हुक्म कुरान में हर जगह बराह रास्त है उसमें पहले तो ये बताया गया है कि ये मिलेगा कहाँ से बताया गया है कि अल्लाह के रसूल से मिलेगा इसलिए तनहा माखज तो वही है लेकिन इसके हुक्म में रसूल भी उसी तरह मुखातब है जिस तरह मैं आप मुखातब हैं यानी कोई फ़र्क नहीं किया गया इसमें यहाँ तक कि ईमान है तो आमन रसूल पहले वो ईमान लाएंगे, इसी तरह अगर इतबा का हुक्म है तो मा अनजल्ला की इतबा रसूल के लिए भी हमारे लिए भी वहाँ इतब मा यूह इलेक है यानी जो चीज़ आपकी तरफ वही की गई है आपने पैरवी करनी है उसकी वो वही कुरान की सूरत में हुई है वो सुन्नत की सूरत में हुई है तो जब दीन दिया जाता है तो दो चीज़ें अल्लाह के पैगंबर से मुत्लक़ होती हैं एक ये कि हर शख्स को मालूम हो जाए कि ये पैगंबर ही से मिलेगा इसके माखज़ वही हैं चनाचे मैंने मीज़ान में इसके लिए उन आयात का हवाला दिया है जिसमें दीन के अज़ा को बयान करके ये कहा गया है कि पैगम्बर इसकी तालीम देगा योल महमिताब बलहिकमा उस पर हम बात कर चुके हैं अगर कोई मज़द सवालत होंगे तो उनको भी ले लेंगे इसी तरीके से जब इनका हुक्म दिया गया है तो ये कहा गया है कि माँ नज़ल्ला की पैगम्बर भी पैरवी करें लोग भी पैरवी करें यहाँ तक कि जब सुन्नत के बारे में ये कहा गया तो वो चूँकि दीन इब्राहिमी की रवायत है तो वहाँ पर भी यही उसलूब इख्तियार किया गया तब्यू मिल्त इब्राहिम हनीफ़ा बल्कि वो चूँकि अल्लाह के तमाम पैगम्बरों का तरीक़ा है जो पहले से जारी था तो तमाम पैगम्बरों के नाम लेकर कुरान ने कहा फ़ब हदा हम इकतद यानि रसूल सल को ख़िताब करके कहा गया कि आप उनकी हिदायत की पैरवी करें इसमें तो असल दीन के मामले में तो ये उसलू कभी इख्तियार ही नहीं किया गया कुरान कि मजीद में यानी वह असल दीन या मान जलल्ला है जिसको आप कुरान कहते हैं और या सुन्नत है जो असल में दीन इब्राहिमी की या पुरान अम्बिया की रवायत है जिस में रसालत में आप ने कोई तरमीम की है असलाह की है या उसकी तजदीद किया फिर अपनी तस्वीर से उसको जारी कर दिया तो उसमें भी हम अल्लाह के पैगम्बरी से लेते हैं लेकिन कुरान ने ये उसलूब कहीं इख्तियार नहीं के में बात नहीं हो रही होती। उसके जैल की चीज़ ही नहीं है ये यानी ये उससे बाला तर चीज़ है इसमें तो ख़ुद पैगम्बर को ख़िताब करके कहा जाता है कि आप भी इसी के पैरों हैं और उसको पहुँचाने की जिम्मेदारी आप पर है यानी वहाँ बलाग मुबीन की जिम्मेदारी है उसमें लब लहजा ये होता है कि हमने ये आपको दे दिया है बल्लग बल्ले मनज़िला इलेक जो आपकी तरफ़ नाजिल किया गया पहुँचाएँ इसको फिल्म तफल फ मा बलखता रसालत हो आपने अगर इसमें अदना दर्जे की भी कोई कोताही की तो आपने रिसालत के मनसब के हकूक़ नहीं किए इतना सख्त लबो रह होता है उसमें उसमें तो यहाँ तक क़ुरान मजीद चला गया कि वो ये कहता है कि ये हम दे रहे हैं यानी ये अल्लाह का हुक्म है अल्लाह की हिदायत है ये असल दीन है ये दिया जा रहा है ये मान जलल्ला की सूरत में है इसका बड़ा हिस्सा कुरान है तो ये दिया जा रहा है वलाउ बाज़ल ला खजना वलाऊ तक्ला बाविल हजन मिनयमीन सुम्ला क़त निन इसमें अगर अपनी तरफ से कोई बात भी शामिल करने की जसारत की गई तो हम रगे जान काट देंगे तो इसका तो मामला ही बिल्कुल अलग है ये कहाँ ज़ेर बहस आ गया ये ज़रा कुरान मजीद को आँखें खोल के पढ़िए और कुछ वक्त ये उसूलिन की बहसों से बुलंद होकर अल्लाह की किताब को भी लेना चाहिए तो अंदाज़ा होगा कि वो इसको कैसे पेश करती है तो असल दीन यानी वो दीन जिसको हमें मानना है जिस पर ज़िंदगी बसर करनी है वो अल्लाह ताला ने बर रास्त अपने हुक्म के तहत रखा है वहाँ इतात इतबा ये सब अल्लाह की और मानजल्ला की होती है वहाँ नौयत ये है और उसमें अल्लाह ने फरमाया है कि ये मिलेगा कहाँ से मेरे पैगम्बर से मिलेगा यानी जो पैगम्बर इसको बयान फरमाएँगे उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसको बयान फरमाएं उनकी ज़िम्मेदारी है इस पर पहले ख़ुद मान लाएँ उनकी ज़िम्मेदारी है पहले इसकी खुद पैरवी करें और फिर उसके बाद तुम लोगों तक पहुँचा दें वहाँ ये बातें कही गई हैं और ये मैंने चंद हवाले दिए पूरा कुरान मजीद इसको जगह जगह मुख्त सालीब में बयान करता है यानी रसालत में आपसे हमें दीन लेना है एक बात माखज़ की हैसियत तनहा माखज़ की हैसियत आपकी है दूसरी बात आप पर यानी रसूल वसम पर उसके बलाग मुबीन की जिम्मेदारी है वाज तरीके पर उसको पहुँचा देना बे कमौकाश पहुँचा देना उसमें अदना दर्जे की कोई तरमीम तगैर आप भी नहीं कर सकते थे उसमें तो ये कहा गया है कि जब लोगों ने कहा कि इसमें कुछ तब्दीली कर दें हमारे मुताबिक हो जाए तो फरमाया कि इनको कहो कि माँ यकूनभल तिलकाय नफसी मैं की जसारत कैसे कर सकता हूँ कि अपनी तरफ से इसमें कोई बात कह दो तो वहाँ तो मामले की नौीयत ही बिल्कुल मुख्तलफ है इन आयतों में उसका जिक्र ही नहीं है आप ज़रा ये देखिए हम कहते हैं कुरान कति दलाला है ये कतिय दलाला कैसे होता है और कैसे नहीं होता ये नहीं होता जब आयात को स्याको सबाक से हटाकर जो मतलब चाहे आप पहना दें जब आप सही तरीके से इनकी तरफ रुजू करें कि लफ्स का हक अदा करें जुमले की तारीफ को बिल्कुल दुरुस्त समझें और स्याक व सबाक देखें तो अब मैं ये बताता हूँ आपको तो कि रसूल्ला की वो इतात जिसका मैंने ज़िक्र किया है वो कौन सी एतात है वो इतात है मेरे और आपके इख्लाफा में रसोल्ला की अतात ये अब वो मसला है ही नहीं सिरे से वो चीज़ जेर बहसी नहीं है सिरे से ज़ेर बहसी नहीं है इन तमाम आयात में जब अब मैं अर्ज़ करने वाला हूँ असल जेर बहसी रसालत में आप की नजात में इतात है दुनियावी नजात में मैं बताता हूँ कौन सी अभी अभी ज़रबस आ जाएगा ख़ुद कुरान बताएगा उसमें मुझे क्या कहना है तो उसमें बिल्कुल उसी तरीक़े पर चलिए एक एक आयत को लेके, जो आयत जर बैस थी वो गालिबन सुर की आयत पैंसठ है अब उसमें पहले अल्फाज पर गौर कीजिए उसमें अल्फाज हैं रसल को तहकीम के लिए मर्जा बनाने के यानी दीन के माखज़ के तौर पर नहीं पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि फ़लाह रबे का ला युमिन हत्या युक् के मूख तकीम तकीीम कहते हैं किसी मामले में नजा हो जाए तो फ़ैसला सैद ना मुविया और सैद नली में नजा हुआ तो उसमें तहकीम की गई तहकीम दीन देने दीन के माखज से दीन लेने के लिए लफ्ज़ ही मौजू नहीं है।, है पहली बात ये अभी मैं बताऊँगा कि उसका स्याक क्या है और उसमें कहाँ से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तो पहली चीज़ ये है कि ये तहकीम का हुक्म है यानी हमारे दरमियान कोई नज़ा हो गया है कोई इख्तलाफ हो गया है अब जाहिर बात है कि ये तो नहीं होगा कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आज फलां जगह से खाना खाऊं और आप कहते हैं फ़लां जगह से खाना खाएँ यहाँ वो इख्तलाफ़ात जेर बैस हैं जो जैद दीन के फहम में होंगे इसलिए कि दे दिया गया है ना दीन समझना मुझे है तो इख्तलाफ तो मेरा आपका दीन लेने में तो हो ही नहीं सकता वो तो पैगंबर को ना मानना है जो असल दीन है वो ले लिया मैंने भी ले लिया आपने भी ले लिया इस वक्त भी मुझे बताइए इख्तलाफ इसमें है कि कुरान रसोल्ला ने दिया या नहीं दिया इख्तलाफ इसमें है कि रसोल्ला ने एक सुन्नत जारी की है या नहीं की इख्तलाफ इसमें है कि उसको समझना है तो इख्तलाफ और नज़ा यानी तहकीम की नौबत कहाँ आएगी दीन में इख्तलाफ होगा दीन के समझने में और या इख्तलाफ कहाँ होगा मेरे और आपके उन मामला में होगा जिनमें हम झगड़ पड़ते हैं और एक दूसरे का ग्रबान पकड़ते हैं यही होगा ना यानी जो हुकूमतों में झगड़े जाते हैं जब ये कहा जाता है बात कीजिएगा मुकदमा के लोगों को अपने मुकदमा अदालतों में लेके जाने चाहिए तो मुझे ये फरमाइए कि क्या वो मुकदमत वो होते हैं कि मुझे आज क्या खाना है और आज क्या पकाना है ये मुकदमा होते हैं हर चीज़ अपने एक स्याक और उर्फ़ में इस्तेमाल होती है तो दो ही चीज़ें होंगी यानी हमें मसला पेश आएगा रसालत मसल में दीन दिया है समझने में इख्तलाफ़ हो गया अब भी यही होता है पूरी मुसलमान उम्मत क्या दीन को असलन लेने में इतलाफ कर रही है समझने में ये हनफी शाफी मालिकी ये इल्म कलाम के माहन सूफिया किस चीज़ में इतलाफ़ कर रहे हैं सहब कराम के माबैन को बहस हुई तो इसमें बहस हुई यही हुआ कि फ़लाँँ आयत का मतलब क्या है या फ़लाँँ असूल का अखलाक़ किस तरीके से होगा दो ही चीज़ें होती हैं दीन में उनमें इख्तलाफ हो जाता है तो या इख्तलाफ यहाँ होगा जहाँ तहकीम की ज़रूरत पड़ेगी और या इख्तलाफ कहाँ होगा या मेरे और आपके दरमियान कोई ज़मीन का झगड़ा हो गया कोई इस तरह का मामला हो गया जिसमें मुसलमानों की पूरी इज्तमात एक दूसरे ग्रहान पकड़ने लग जाएगी इसी तरह सियासी अख्तलाफ़ जैसे कि हज़ूर के बाद हुए जिसमें तलवारें खींच गईं यानी ये घर में बैठने और घर से बाहर जाने के इख्लाफा नहीं हैं इन तमाम इख्लाफा में ये बयान किया गया है कि तहकीम होगी तहकीम का लफ्ज़ ही किसी और चीज़ के लिए मौजूद नहीं अच्छा इसमें कोई कसर रह गई तो आगे देखिए आगे क्या कहा है कि फ़लाह रबी कला युमिन हक़ यू हक मुँह का फ़ीमा शजर बैन हम जो तुम्हारे दरमियान निजात हो जाएँ इख्तलाफ़ात हो जाएँ यानी लफ्ज़ तहकीम भी ज़ाहिर है इसी के लिए मौजूँ है और आगे मज़ीद वजाहत कर दी गई है तो मुझे ये बताएं कि इख्तलाफ पैगम्बर से ये होगा कि मैंने कुरान लेना है या नहीं लेना इसमें इख्तलाफ होगा वो तो फिर आप पैगम्बर के साथ इख्लाफ कर रहे तो मुसलमान वो नहीं शजरा नहीं। बैना हम या बैना ना नहीं है वो तो मेरा पैगम्बर से इख्तलाफ़ हो गया तो ईमान कहाँ रहा उसके बाद तो वैसे ही मामला ख़त्म हो गया तो ये है अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं इनमें चूँकि हम इंसानी सतह पर खड़े होते हैं इसमें मेरा आपसे झगड़ा है इसमें मैं रिसालत में आप की अदालत में जाने का पाबंद किया गया हूँ अब आइए स्याक क्या है स्याख जरा पीछे जाइए बात यहाँ से शुरू हो रही है कि ये मुनाफिकीन ये क्या कर रहे हैं ये करते ये हैं कि ईमान तो रसोल्ला पर ले आए हैं लेकिन अयतहामत ताबूत ये जाते हैं अपने शैतानों के पास फैसले कराने के लिए वो वहाँ दीन देने के लिए जाते थे ईमान तो ले आए क़ुरान लेने के लिए जाते थे वो ईमान ले आए हुए हैं इस मुतसेर पहले ये बहस है उनको ख़िताब करके ये कहा गया है कि ये तुम्हारे ईमान का ये तकाजा था कि तुम अपने शैतानों के पास उन्हीं पुराने लीडरों के पास जाओ और मर्जी हो तो इधर ले आओ मुकदमा मर्जी हो तो उधर चले जाओ फरमाया गया अपनी इस रविश पर अल्लाह से तोबा इस्तगफार करो और इसके लिए अल्लाह से भी माफ़ी मांगो और रसूलुल्लाह से भी दरख्वास्त करो कि तुम्हारे लिए इस्तगफार करें इसके बाद ये कहा गया इसी लिए ज़ोर है बहुत फला का ला रबला तेरे परवरदिगार की कसम ये मोमिन नहीं हो सकते अपनी इस रविश के साथ हक़ा युक के मूक जब तक के फ़ी माँ शजर बैन में अपने इख्त में नज़ात में अपने मुकदमों में अल्लाह के पैगम्बर को हकम ना बनाएँ उनके पास फ़ैसले के लिए ना आए ये फैसले बाद मौक़ों के ऊपर बड़े ग्रह गुजरते हैं झगड़ा है मैं भी कहता हूँ ज़मीन मेरी आप भी कहते हैं उसमें हजूर ने फैसला कर दिया फरमाया ये आम काज़ी का फैसला नहीं है ये अल्लाह के पैगम्बर का फैसला है आगे आयत क्या कहती है सुम् ला यजेदू फ़ी अन फ़ुसे हर जम म कज़ैत ये नहीं कहा गया जो दीन तुमने दिया है जो फ़ैसला तुमने किया है उस फैसले में अदना दर्जे में तंगी भी दिल में महसूस ना करें यह रसूलुल्लाह की कज़ा ज़ेर बहस है नज़ात में और फिर फरमाया वह व युसलमुतलिमा और अपना सर झुका दें ये तो कुरान मजीद के अल्फाज और स्याको सबाक की रोशनी में बात है तो हो ही ये आयत सिर्फ़ दो चीज़ों से मुतक सकती है या मेरे और आपके मेरे और बाकी लोगों के या सिबा कराम के दरमियान कोई सियासी कोई ज़मीन के कोई समाजी झगड़े जिन झगड़ों में हम अदालतों के पास जाते हैं तो या तो अदालती मामला या निजात जेर बैस हैं और या वो चीज़ें इसमें जैल के तौर पर शामिल हो जाएंगी जिसमें दीन को समझने में कोई इख्तलाफ़ हो गया तो इन सब में हजूर ही की तहकीम होगी आप ही की तरफ जाना होगा ये पैगम्बर का वो खसूस मामला है ये महज दीन देना नहीं है वहाँ तो रसुल्ला की हैसियत महज पहुँचा देने वाले की वह माँ अला रसूल अलबलाग उस दीन के मामले में रसूल सिर्फ पहुँचाता है इसके मामले में ये सूरत हाल है यानी अब अल्लाह के पैगम्बर की हैसियत से ये मानना है इसके बाद ये देखिए कि हमारे यहाँ जो तफसीर की रवायत है आप जानते हैं कि उसमें तो हमारे तरीक़े के मुताबिक लफ्स की ये नज़ाकतें मलहूज़ रखना उसका सही इस्तेमाल देखना उसके बाद श्याको सबाक उसमें अगर कहीं अतनाब बरतने में कमी भी होती है तो वो उसे किस चीज़ से पूरा करते हैं वो शान नजूल की रवायात से पूरा करते हैं तो आप अब ज़रा इब्न कसीर को उठा लीजिए इस आयत के तहत आप राजी को उठा लीजिए आप जो को उठा लीजिए मुसलमानों के सब मुफसरन इसके तहत शान नजूल का वाक़ क्या नकल कर रहे हैं हुजूर के फूफी जात भाई हज़रत ज़ुबैर के और एक अंसारी जिनका बाद रवायतों में नाम हातिब इब्न अभी बलता आया है उनके दरमियान झगड़ा हो गया खेतों को पानी लगाने पे यानी खेत में पानी आ रहा है ना पीछे से तो अब यह है कि जिसका खेत पहले होगा तो क्या वो पानी ले लेगा क्या सारा ले लेगा ले किस हद तक लेगा ये दोनों रसूलुल्लाह के पास अपना झगड़ा ले आए सब के नीचे लिखा हुआ है उसमें हुजूर ने एक फ़ैसला फरमाया और वह अंसारी उसके ऊपर राज़ी नहीं हुए यानी उन्होंने जरा सख्त तब्सरा कर डाला बल्कि इस तरह के अल्फाज कर डाले माज़ल्ला कि आखिर अपने फूफीजा भाई की महब्बत गलबा पा गई ना यानी उसे महसूस हुआ कि हुजूर का फैसला उनके हक़ में है उनकी ज़मीन पहले आती थी ये वाक्य सब ने नकल की है और ये कहा है कि इस आयत की शान नजूर ये है तो हमारा तो ये तरीका नहीं है मैंने तो आपको बताया कि लफ्स यही कह रहे हैं मौका कलाम यही है स्याक सबाक यही है और जाहिर है कि अगर ये वाक़ भी हुआ हो तो बिल्कुल करीने की आस है तो वो कौन सा मुफसर है और कौन सा दीन का आलम है जिसने इसको इससे हटा कर दीन लेने के मसले से मुतलक़ किया है ये इससे मुत्ल ही नहीं है ये इस आयत का मामला हुआ ये कोई एक जगह ये चीज़ जेर बहस आई मजीद देखी उसके बाद सरय नूर में ज़रा उस पर एक नगा डाल के देखें वहाँ क्या हुआ है बिल्कुल सराः नूर के आखिर में जहाँ सूरख ख़त्म हो रही है वहाँ ये हुआ है कि रसालत में आप किसी इजमाही मामलत में लोगों को बुलाते हैं ऐसा था ना यानी आप पर अदालत की जिम्मेदारी भी थी आपका फ़र्ज मनसबी था वो अदालत जो आपको बर्पा करनी है और उसके एक लाजमी नतीजे के तौर पर इतदार हासिल हो गया तो हुक्मरान की हैसियत भी है तो किसी उसके लिए कुरान के अल्फाज हैं कि जब पैगम्बर तुम्हें किसी अमरे जामे की तरफ़ बुलाए वहाँ दीन जेर बहस ही नहीं अच्छा यानी कोई ऐसा मामला ज़ेर बहस आ गया है जिसमें अल्लाह के पैगंबर कोई इज्तिमाही मशवरा करना चाहते हैं कोई अमर जाम है इजिमाही नौीयत का कोई मामला है उसमें बुलाते हैं जब बुलाया जाता तो ज़ाहिर है कोई ज़िम्मेदारी डालनी होती थी कोई हुक्म देना कोई लश्कर तैयार करना है कहीं जाना है या कोई इनफाक़ के मामले में कोई बात करनी है किसी मौके पर कोई मुहम दरपेश है इज्तिमाही मामला जो पेश आ रहे हैं हरगिज़ वहाँ जेर बहस नहीं है ये कि अल्लाह ने क़ुरान देना है या सुन्नत देनी है उसके लिए बुलाया गया है वहाँ पर ये लोग ये मुनाफिक वही जैर बहस है यानी यहाँ पर भी यही ज़र बहस है वहाँ पर वही ज़र बहस है ये क्या करते हैं ये मौका देख कर इधर उधर से इजाज़त दी और निकल गए तो उस पर क़ुरान ने तबसरा करते हुए ये कहा है कि जो लोग इस तरह के मौक़ों के ऊपर ये हरकत करते हैं कोई सच्चा साहिब ईमान ये नहीं कर सकता जो लोग इस तरह के मौक़ों पर ये हरकत करते हैं फल जहाज़रल युफुना अन्रेही अन तुसीबहुम फितना और यूसीबहम मज़ाब नलीम अगर कोई अल्फाज में ऊपर नीचे नहीं हो रहा तो आयत ये है कि वो लोग अल्लाह के पैगम्बर के हुक्म की खिलाफ वर्जी के मामले में डरें अगर वो ऐसा करेंगे तो इसका अंदेशा है कि किसी फितने में मुबला होंगे या उनको दर्दनाक अजाब आएगा ये पैगम्बर की हैसियत उनको बताई गई है तो वहाँ भी तो यही ज़र बहस कि जब आपने बुला लिया आपने कहा तो फिर इजाज़त लेके जाना होगा फिर इज्तमही मामले में हजूर इजाज़त नहीं देंगे तो सरे तस्लीम खम करना होगा वहाँ ये चीज़ ज़र बहस है अच्छा तीसरी जगह जाइए सूरा हज़ाब में सरा हज़ाब में क्या मामला दरपेश है तो रसोल वसलम ने एक सूरत हाल की असलाह के लिए अपनी फूफी जद बहन सैदा जैनब का निका करना चाहा है वहाँ ये मसला ज़र बहस है ग़ुलाम से करना चाहा है ताकि ग़ुलामों के बारे में ये सूरत तब्दील हो और उनके मरातब बुलंद हों ज़ाहिर है कि एक इतने बड़े ख़ानदान की बच्ची को जब ब्याह जाएगा तो उसके नतीजे में लोगों के अंदर गुलामों के बारे में जो हकारत हक, का तस्वर है ख़त्म होगा बड़ा फैसला है उसमें कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए हैं यानी कोई कहता है होना चाहिए कोई कहता नहीं होना चाहिए ज़रा देखिए क्या फरमाया है उसमें यह फरमाया है कि व माँ काना ल मोमिन व इज़ा कज़ल्ला व रसूल अमरन आई लहमुल लम तो फ़ी अमर हिम किसी मुसलमान मर्द और, और औरत के लिए ये जायज़ ही नहीं है उसके शायन शान ही नहीं है वो इसकी जसारत कर ही नहीं सकता कि जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल किसी मामले में फ़ैसला कर दे यहाँ भी क्या है फैसला कर देखा गज़ल्ला व रसूल व अमरन किसी मामले का फ़ैसला कर दे तो फिर आगे क्या अल्फाज हैं फिर उसके बाद उस मुसलमान मर्द या औरत को उनके अपने मामले में कोई इख्तियार बाकी रह जाए अपने अपने मामले में कोई इख्तियार दीन जर बस ही थी। थी नहीं आई यून न हमूल तो फ़ी अमर हिम तो वहाँ पर भी बिल्कुल यही चीज़ ज़र बहस है तो ये तीन मकामा मैंने अर्ज कर दिए इसके सिवा भी हद ये है कि जो आम आयत पढ़ी जाती है अती वी रसूल वमर मिनकुम वो भी तनाज़ात को सामने रखती है फ़ैन तनाज़ातुम शहन व रसूल वहाँ पर भी यही ज़र बहस है असला ये जर बैस है वहाँ पर भी असलन कोई कुरान सुन्नत का देना जेर बैस नहीं है बल्कि जो नज़म इज्तमा कायम किया गया है वहाँ पस मंज़र क्या है कि मुसलमानों तुम्हें हुकूमत मिल गई है अब इसमें तुम्हें अदल कायम करना है इसमें तुम्हें मेरठ पर मामला करने ये हिदायत दी गई हैं वहाँ और इसमें अल्लाह की इतात करो अल्लाह के पैगम्बर की इतात करो क्योंकि इस वक्त नज़म वो चला रहे हैं और अपने हुक्मरानों की इतात करो बहूलिनकुम और अगर हुक्मरानों के साथ कोई नज़ा हो जाए फर व रसूल तो अल्लाह और रसूल की तरवजु करो तो ये मौजू तो जहाँ जहाँ आया है बल्कि वहाँ जहाँ सूरह हशर में रसूल वसम ने माल गनीमत देने के बारे में फ़ैसला किया है माल गनीमत सब का सब अल्लाह और रसूल का है ये फ़ैसला सुनाया जा चुका था पहले सुनाया जा चुका था अनफाल में बता दिया इसमें हुजूर की स्वाबदीद थी कि आप क्या करें कुछ चीज़ों के बारे में अल्लाह ने पाबंद कर दिया था बाकी में दी थी हुजूर की स्वाबदीत पर वहाँ पर भी एतराज़ हुआ है तो वहाँ ये क्या कहा गया है व मा आता रसूल व खजू हम व माँ नाकुम यानी रसूल जो दे वो लो और जिससे रोके उससे फ़ौर रुक जाओ तो ये ना यहाँ दीन असल दीन वो जेर बैस ही नहीं है ये रसालत मसलम की दूसरी हैसियत जेर बैस है कि जब आप दुनिया में मौजूद है तो तमाम नज़ात में ख़वा व दीन से मतलक नज़ा है दीन दीन लेने में तो नजा हो ही नहीं सकती दीन को समझने में हो गई उसके अतलाक़ में हो गई उस पर अमल करने में हो गई या दुनिया के किसी मामले में है तो आपकी तरफ़ रजू किया जाएगा आपको हकम बनाया जाएगा आपके फ़ैसले के सामने सर तस्लीम कम किया जाएगा ये जेर बहस है तो इस वजह से यहाँ तो वो मामला ही जर बहस नहीं है ये तशरी और गैर तश्रह का यहाँ कोई सवारी नहीं यहाँ तो हर चीज़ जो हजूर फरमाएँगे मैं अपने मामले में भी कोई इख्तियार नहीं रखता यही रसूल की हैसियत कुरान ने बयान की बड़ी ही जामियत से आपने वो तमाम पस मंज़र इनायात का लफ्स उसके बाद जुमले की तालीफ़ में उसका मकाम और सियाको सबाक क्या कहता है ये भी जेर बैसा ही बुनियादी आयत थी वमार में रसूल इजन इसके बारे में भी बिल्कुल वाजह है कि पीछे मुनाफीन ही का जिक्र हो रहा है और यहाँ पर भी दीनी ये आयत भी वहीं है जी ये भी वहीं है जहाँ पहली आयत पर हमने गुफतू की है तो ये बताया है वहाँ पर कि वहाँ मसला क्या ज़ेर बहस है उस मसले ही के जाल में कहा है कि ये मुनाफिक हो ये तुम तहाकों में लतगूत करते हो अपने लीडरों के पास अपने फैसले ले जाते हो अल्लाह के रसूल से माफ़ी मांगो आके अल्लाह से भी माफ़ी मांगो और आपसे भी दरख्वास्त करो अल्लाह का पैगम्बर भेजा ही इसलिए जाता है कि हर मामले में उसकी इताद की जाए और उसके बाद फिर वो आयत आती है कि ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि इस दर्जे में रसूल को ना माने तो ये दर हकीकत रसालत में आप की दीन देने वाली हैसियत ही ज़र बहस नहीं है यहाँ यहाँ असल में नज़ात में हमारे झगड़ों में और ये नज़ात वही होंगे जो या दीन से मुत्ल हैं या वो जो अदालती मामला से मुतलक़ हो जाते हैं जिसकी मिसाल दी और हमारे इल्म तफसर ने इन तमाम मकाम पर ये सब बातें बयान कर दी यानी इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं कर रहा मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि ये आयतें किसी शान रजूल की मोहताज नहीं है इनका स्याक सबाक बिल्कुल वाज है और पूरी कतईत के साथ मजीद इसी मुद्दा पर तलालत कर रहा है। एक आम सब यह नुकता बड़ी ख़ूबी से वाजे हुआ एक मुख्तर सवाल जो इसी से मुतलक़ है एक बारिक और नाजुक फ़र्क है मैं चाहूँगा उसको भी आज़ फ़रमाइए ये बात बड़ी तफसील से बहस बहसाई कि दीन की शर वजाहत पैगंबर की ज़िम्मेदारी नहीं थी यानी आप पर यह ज़िम्मेदारी अल्लाह ने नहीं डाली थी कि जो भी आयत पढ़ेंगे जो भी सुन्नत बयान की जाएगी अमल में आएगी उसकी शरवा वजाहत उसकी तफसीर उसमें अगर कोई मतन है तो उसकी शराह असल है तो उसकी फ़रा एक एक इतलाक़ करके देंगे ज़िम्मेदारी नहीं थी बात वाज है आपकी ये बताइए कि इस मामले में जब फीमा शजरा बीना हो गया दीन के एक मामले में इख्तलाफ हो गया है अब लोग आ आगे हैं वसल्लम के पास अब तो अकल ये कहती है शूर यह कहता है कि अब सातमा आप कैसे ये कह सकते हैं कि भाई तुम लोग चले जाओ अब तो आपको मुसलमानों को पाबंद कर अल्लाह ताला के जाओ वहाँ तो अब तो ये बात अक़ल में आती है लाजमी तकाजा है कि अब आपको फैसला इख्तलाफ वो तो लाजमी तकाजा है हालात देखे जाएंगे आपकी स्वाब दीद आम हालात में आप यही करेंगे जो आप फरमा रहे हैं यानी आप फैसला ही करेंगे बताएँगे और ये जाहिर है कि जिस आदमी को भी आप ये बड़ा मनसब देते हैं वो अल्लाह के रसूल की हैसियत से बैठे हुए हैं तो वहाँ वो क्यों दुदकेंगे फैसला करेंगे यानी शफकत फरमाएंगे इनायत फरमाएंगे लेकिन पाबंद क्यों हो गए यानी मुमकिन है कि फ़ैसला किसी और के सपुरद कर दें किसी और को ज़िम्मेदारी दे दें मुमकिन है कि लोगों को अपना झगड़ा बाहमी मुआफ़त से निपटाने की हिदायत कर दें मुमकिन है ये कहें कि ख़ानदान के लोगों की तरफ रजू कर लो और मुमकिन है कि ये कहें कि अपने मामला यानी अगर झगड़ा नहीं है इस नौीयत का कोई कि जिसको सपुरदी करना है दीन को समझने का कोई मामला है तो ये फरमाएँ एक मिलम की तरह कि इस इसको खुद गौर करो मैंने इसकी मिसाल दी थी आप इसकी मिसालें मौजूद हैं कि हज़ूर ने एक नहीं एक से ज़्यादा मिसालें मौजूद हैं कि हज़ूर ने फरमाया फला आयत पर ग़ौर करो फलां चीज़ पर जाकर गौर करो तो ये यहाँ पर जिस वक्त आप दीन के मामले में कोई राय देंगे तो पाबंद कैसे कर सकते हैं ये बात याद रखिए किसी को ये जसारत नहीं करनी चाहिए कि हज़ूर को किसी चीज़ का पाबंद करें ये हक़ सिर्फ़ इस कायन के खालिक को है इसके लिए सरी नस पेश करेंगे ये मंत की बुनियाद पर गुफ्तु नहीं हो सकती यहाँ सब बहुत ही तफसील से बहस भैसे रसातमान सल्लम की नस्बत से जो जवायात हम तक पहुँचती हैं उनका क्या मामला है रसोल वसम ने अगर शर व फरमाई तो उसकी क्या सूरत है और इसी तरीके से अगर इख्तलाफ हो जाता है तो उस सूरत में हम कैसे रुजू करेंगे तफसीली तबादला ख़्याल के सिलसिला जारी है मज़ीद भी बहुत सारी चीज़ें हैं मसलन ये कि तलीम किताब में क्या शर व वजात तफीम तबीन शामिल नहीं है वो अलग चीज़ है जबकि एक तरफ़ कहा जाता है कि हदीस में अगर कोई दीन से मतलब बात है तो वो दीन से अलहदा नहीं है तबीन से क्या मुराद है इस पर भी कुछ ज़मनी इश्काल हैं ज़े बहस लाएँगे वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है अब तक आपको बहुत शुक्रिया